वॉट आर ब्रेस्ट सर्जरीज? ब्रेस्ट सर्जरीज कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और किस पेशेंट में कौन सी सर्जरी की जाती है, आज हम इस बारे में सब डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार। आई एम अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट दी एस्कल्पियो क्लिनिक न्यू डेली। ब्रेस्ट सर्जरीज बेसिकली उन सर्जरीज को कहते हैं जो आपकी ब्रेस्ट की शेप या उसके कॉन्टूर को मॉडिफाई करें। इसमें हम ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और जो सैगिंग स्किन है जो कि विद एज या आफ्टर प्रेगनेंसी लूज़ हो जाती है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोसीजर्स कंबाइन करके ब्रेस्ट सर्जरीज में आते हैं। तो अब हम कैटेगोरिकली बात करेंगे एक एक प्रोसीजर की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और उसके शेप और कॉन्टूर को एनहांस करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन उन फीमेल्स में किया जाता है जिनमें ब्रेस्ट साइज़ काफ़ी कम है या उनकी दोनों ब्रेस्ट में कोई एसिमेट्री है, तो उन फीमेल्स में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का ऑप्शन हम देते हैं। अब ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किस प्रकार से की जा सकती है? हमारे पास दो तरीके हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के लिए, एक है इम्प्लांट और दूसरा है फैट ग्राफ्टिंग। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ही कॉमनली डन प्रोसीजर है। इसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, और काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम एक ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। जब कोई फीमेल हमारे पास आती है तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके कितना प्रोजेक्शन उसको चाहिए, कितना ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये सब नज़र में रखते हुए हम उनका ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं विद इम्प्लांट। नाउ अगर हम बात करें फैट ग्राफ्टिंग की फॉर ऑगमेंटेशन, तो फैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आप ही की बॉडी से फैट लेते हैं, उन एरिया से जहाँ पे एक्सेसिव फैट है वही फैट लेके हम ब्रेस्ट में डालते हैं और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सवाल हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कैसे किया जाता है, दो तरीक़ों से है इम्प्लांट और फैट ग्राफ्टिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा इम्प्लांट बेस्ट है, हमें कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट में करना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको देंगे। सो दूसरा एक जो ब्रेस्ट प्रोसीजर है वो है ब्रेस्ट रिडक्शन का। सो ब्रेस्ट रिडक्शन एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर है हमारी नज़र में भी और पेशेंट की नज़र में भी, क्योंकि जो रिज़ल्ट ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद मिलता है उससे पेशेंट बहुत ही खुश रहता है। फर्स्टली एक तो वो अपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज़ की वजह से परेशान रहता है, वो साइज़ हम कम करते हैं, प्लस जो उनको फंक्शनल प्रॉब्लम्स रहती हैं इस इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज़ की वजह से, जैसे नेक पेन, शोल्डर पेन, थोड़ा सा पोस्चर में प्रॉब्लम्स, फिर ब्रेस्ट के नीचे जो स्किन फोल्ड्स है उसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, ये सब चीज़ें भी करेक्ट हो जाती हैं ब्रेस्ट रिडक्शन से। सो ब्रेस्ट रिडक्शन बेसिकली मैसिवली एनलार्ज ब्रेस्ट के लिए हम करते हैं, और ये हम कोई भी फीमेल जो अबव 18 ईयर्स है उसमें भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो मतलब उनको कैसा रिज़ल्ट चाहिए। ब्रेस्ट रिडक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम बहुत ही जैसे शॉर्ट स्कार और वर्टिकल स्कार अप्रोच से ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, बट उसमें भी जो स्कार है वो अराउंड द निप्पल और एक वर्टिकल स्कार नीचे रहता है जो कि बहुत पॉपुलरली लॉलीपॉप स्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रेस्ट रिडक्शन बेसिकली एक स्कारलेस सर्जरी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत स्कार ब्रेस्ट में रहता है। तीसरा जो ब्रेस्ट सर्जरी की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट लिफ्ट और मैस्टोपेक्सी। तो ब्रेस्ट लिफ्ट बेसिकली वो प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रेस्ट को रीपोजिशन करते हैं। तो ब्रेस्ट लिफ्ट उन फीमेल्स में किया जाता है जिनमें विद एज ब्रेस्ट स्किन की सैगिंग हो जाती है जिसको हम टोसिस कहते हैं, या आफ्टर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन भी ब्रेस्ट स्किन लूज़ हो जाती है। तो ये ब्रेस्ट लिफ्ट एक प्रोसीजर है जिससे ब्रेस्ट आपकी रीपोजिशन हो जाएगी। तो ब्रेस्ट लिफ्ट एक हम एज अ सिंगल प्रोसीजर भी कर सकते हैं और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं विद ऑगमेंटेशन। अब ऑगमेंटेशन भी हम जो ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ करते हैं दैट कैन बी ऑटो ऑगमेंटेशन, जो कि हम ब्रेस्ट का टिश्यू लेके ही उसको ऑगमेंट करते हैं, या हम इम्प्लांट यूज़ करके ऑगमेंट कर सकते हैं। ये सब प्रोसीजर्स जितने भी ब्रेस्ट सर्जरीज के बारे में मैंने बात की है ये सब हम जनरल एनेस्थीजिया में ही करते हैं, और या तो डे केयर प्रोसीजर है या फिर एक दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है। तो आप इन सर्जरीज़ के बाद अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी 4 to 5 डेज़ में रिज्यूम कर सकते हैं।
बट कुछ रिस्ट्रिक्शन हम जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग इन सब का रिस्ट्रिक्शन एटलीस्ट 3 to 4 weeks तक हम अपने सब पेशेंट्स को कहते हैं, और इन सब सर्जरीज के बाद एक ब्रेस्ट सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट सर्जरी करने के बारे में, इधर वो ऑगमेंटेशन है या रिडक्शन है, तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के से मिलें और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, क्योंकि वही आपको बेस्ट बता पाएंगे कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपकी कुछ हद तक क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी रिलेटेड टू ब्रेस्ट रिडक्शन, ऑगमेंटेशन और लिफ्ट। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।